प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी। दादा। तू भाई बोल क्या, तो आ अंदर। सॉरी सेठ जी, आपके पास धनजी सेठ का मोबाइल नंबर होगा? क्यों? पिछले आधे घंटे में उनकी दुकान पे मैंने 2 बार फोन किए, लेकिन वो कहीं बाहर गए हैं, अभी तक बाहर ही है। तो धनजी सेठ का तुझे ऐसा क्या काम पड़ गया? एक पार्टी है, उसे 15 दिन के लिए 6 लाख रुपए की जरूरत है। उसके लिए वो 8 लाख रुपए के गहने गिरवी रख कर 50,000 का ब्याज देने को तैयार है। तो आपके पास धनजी सेठ का मोबाइल नंबर होगा तो दीजिए ना। लिख। एक सेकंड। हाँ सेठ जी। 98-200-25-54। थैंक यू सेठ जी। हेलो। हाँ धनजी सेठ। बोल बागा। बागा। बोल बोल। सॉरी सेठ जी, गलती से आपको फोन लग गया। अरे मैंने मेरा ही नंबर दिया तुझे। आपका और धनजी सेठ का नंबर एक ही है? यार डफोड़, मेरे होते हुए तुझे इतनी बड़ी ऑफर धनजी सेठ को देनी है? सॉरी सेठ जी, मुझे लगा आपको ऐसे ब्याज के धंधे में इंटरेस्ट नहीं है। कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? है भाई, इंटरेस्ट है। ला ला ला, गहने ला, मैं देता हूँ 6 लाख रुपए। एक मिनट, ये लीजिए सेठ जी। ये क्या मजाक है? ये गहने हैं? ये टमाटर मारू तेरे मुंह पे? नहीं सेठ जी, टमाटर के अंदर गहने हैं। नहीं सेठ जी, थैली में ऊपर ऊपर टमाटर है और टमाटर के अंदर, मतलब टमाटर के नीचे गहने हैं। ओहो, एकदम देसी आइडिया है। एक काम कर, ये नाके पर दिनेश भाई ज्वेलर है ना, उनके पास लेके जा और चेक करा ये गहने 8 लाख के है कि नहीं। सेठ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं CBZ ज्वेलर्स में चेक करवा के ही लाया हूँ। ये देखिए, ये रही उसकी रसीद, पूरे 8,35,000 के हैं। ठीक है, लेकिन बागा ये पार्टी भरोसा पात्र है ना? हाँ हाँ सेठ जी। नहीं मतलब 15 दिन बाद वो 6 लाख रुपए लौटा देगी ना? सेठ जी, घर की पार्टी है। नहीं, अगर नहीं आई तो टेंशन नहीं है, मैं ये गहने बेच दूंगा। नहीं सेठ जी, गहने बेचने की नौबत आएगी ही नहीं। एक काम कर, तू जरा 2 मिनट बाहर खड़ा रहे, मैं बुलाता हूँ। जी। Thank you.
बगा लागा। जी सेठ जी, ये देख, एक दो तीन चार पांच, 5 लाख और ये 5.5 लाख। ये ले। 5.5 नहीं सेठ जी, 6 लाख। अरे भाई, ब्याज के धंधे में ब्याज पहले ही काट लिया जाता है। अच्छा, ले रख दे इसको टमाटर के अंदर। जी अच्छा सेठ जी, मैं निकलू? अरे रुक रुक, इतना दादा। ये ले। ये क्या है? 5,000 तेरा कमीशन। नहीं नहीं सेठ जी, मैं आपसे कमीशन थोड़ी ले सकता हूँ। अरे भाई, ये तो व्यवहार से। तू मेरा 50,000 का फायदा करवा रहा है तो उसमें से मैं तुझे 5,000 कमीशन नहीं दे सकता? ले ले। नहीं सेठ जी, मैं आपका कोई फायदा नहीं करवा रहा हूँ। वाह, तू ऐसा सोचता है वो तेरी महानता है, लेकिन फिर भी ये ले रख। नहीं सेठ जी। अरे भाई, शाम के टाइम को आती हुई लक्ष्मी को ना नहीं बोलते, खुशी से दे रहा हूँ भाई, रखना रख, खुश रहे। और सुन, आइंदा ऐसी कोई भी ऑफर आए तो मुझे ही बोलना, धनजी सेठ को नहीं। हाँ राजी रे। बात तो मजा आ गया, मस्त फायदा हो गया 50,000 का। आज एक काम करता हूँ, आज जल्दी घर जाता हूँ और दया के लिए मस्त बढ़िया महंगी वाली गिफ्ट लेके जाता हूँ। दया, दया, लगता है किचन में। अरे इसको तो रख दूं, किसी की अमानत है भाई, गोडाउन से ज्यादा घर में सुरक्षित है। ओहो टिप्पू के पापा, अच्छा आप जल्दी आ गए। अरे वाह, दया तो अच्छे मूड में है। हाँ जल्दी आ गया। अभी तू एक काम कर, तू अपनी आंखें बंद कर। क्यों? अरे भाई, मैं आज तेरे लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ। अरे बाबा, आंख बंद करूंगी तो गिफ्ट देखूंगी कैसे? अरे भाई, सरप्राइज है। ठीक है बाबा, बंद करती हूँ। बंद कर लिया? हाँ। अभी मैं बोलू तब तक खोलना मत। हाँ। एक मिनट। खोलने की जा रहे? अरे चुपचाप खड़ी रहे। खड़ी हो गई, हिलना मत, आंखें खोलना मत। कुछ आवाज नहीं आ रहा ना, टक टक कुछ? हाँ कुछ आया। वो सुनना मत। रेडी? हाँ रेडी। खोलो आंख। अरे वाह, कान के झुमके। झुमके तो कान के ही होते हैं ना, पैर के थोड़ी होते। अरे वाह सॉरी, मैं कभी कभी खुश हो जाती हूँ ना तो कुछ भी बोल बोल करती हूँ। सोने का है तो पसंद आया तुझे? हाँ। तू खुश? अरे खुश हम खुश। बस तू खुश तो मैं खुश। दया, बहुत जोर की भूख लगी है, अभी तो बढ़िया खिचड़ी खिला। खिचड़ी? आपकी तबीयत ठीक है ना? अरे भाई, मेरी तबीयत तो सुबह भी ठीक थी, अभी भी ठीक ही है, लेकिन तू खिचड़ी खाएगी तो मैं पकवान कैसे खा सकता हूँ? अरे मैं भी अभी आपके साथ पकवान ही खाऊंगी। लेडीज लोगों को सोने का गिफ्ट दो तो राजी राजी हो जाते हैं। क्यों अभी क्यों पकवान? दोपहर को तो खिचड़ी खा रही थी। हाँ, वो दोपहर को सुंदरी रा प्रॉब्लम में था ना, अभी उसका प्रॉब्लम दूर हो गया है इसलिए पकवान। प्रॉब्लम दूर हो गया मतलब? अरे सुंदर मीरा का फोन आया था कि पैसों का बंदोबस्त हो गया है, वो कल से ही सोसाइटी का काम शुरू कर देगा। अच्छा? हाँ, अभी आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और मैं जल्दी से आपके लिए बढ़िया पकवान बनाती हूँ, ठीक है? ठीक है। 1,000 में मेरा वीरा है।
बोलो, ये अपने वीरा की वजह से खुश है और मैं समझ रहा था ये झुमके की वजह से खुश है। चलो जो भी हो, मेरी दया खुश है ना, अब फिर से घर का वातावरण हलवा फूल हो जाएगा। अरे वो चिंतामणि, भीड़े को तो खुशखबरी दे दू, सोसाइटी का काम शुरू हो रहा है। की भेड़ प्रवास केला। चलो पांचवी का तो पेपर सेट हो गया, ज्यादा टफ नहीं है। बोलो जेठालाल। अरे भाई भिड़े, खुशखबरी है कि सोसाइटी में कल से काम शुरू हो रहा है, यही ना? तुम्हें कैसे पता? फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। कायते? अरे कायते कायते काय, खुद सुंदर ने मुझे फोन करके बताया वो कल से काम शुरू कर रहा है। तो सुंदर ने सोसाइटी का काम बंद कर दिया था, तब पूरी सोसाइटी को लेकर तुम्हारे घर पे आ गया था। तो अभी काम शुरू कर रहा है तो तुम मेरे घर पे मत आ, कम से कम फोन करके बता तो सही मुझे। तुमको तो पता है ना कि कल से काम शुरू हो रहा है, यही बताने के लिए तुमने मुझे फोन किया ना। हेलो, चल फोन रख। कमाल है जेठालाल। चलो चलो उठाओ उठाओ फटाफट उठाओ, ये पूरा फ्लोरिंग आज मुझे क्लियर मिलना चाहिए। बका बी विंग का सारा काम तमाम हो जाना चाहिए आज, याद रखना। हो जाएगा सुंदर भाई। भाई तुम मेरे सिर पे क्यों खड़े हो? जागते रहो, हमारे भरोसे मत रहो, ऐसे खड़े रहना। जाओ अपने पॉइंट पे जाओ, जल्दी जाओ। और तुम क्यों भाई मेढक की तरह मेरे सर पे खड़े हो? सॉरी बेटे भाई सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि आप आ गए हो। वाह वाह सुंदर लाल, पूरे जोर शोर के साथ शुरू हो गया काम। बेटे भाई सुंदर का काम एकदम रबर स्टैम्प जैसा होता है, एक बार छप गया तो छप गया, बोला था वैसे काम शुरू हो गया ना। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन अभी काम रुकेगा नहीं ना। बेटे भाई अब तो आप बोलोगे तो भी काम नहीं रुकेगा। अरे हेलो भीड़ अंकल, सोसाइटी रिनोवेशन का काम तो हो ही जाएगा। हाँ। पर उसके बाद के सेलिब्रेशन का क्या? हाँ, वो तो है। बोलो मंदिर बसाने के भक्त लोग आगे प्रसाद मांगने। सेलिब्रेशन की क्या बात करो टप्पू, अभी एग्जाम सर पर है, पढ़ाई करो जाके। सोनू तू तू यहाँ चोर काय करते है? अभ्यास कर रहे थे, पढ़ाई करो। चलो चलो क्यों शोर मचा रहे हो, क्या हुआ? अंजलि आंटी आप ही बोलो कि रिनोवेशन के बाद छोटा तो छोटा सेलिब्रेशन तो बनता है ना। हाँ। छोटा टप्पू सेलिब्रेशन बड़ा होगा। ओहो तो बात ये है। वैसे भीड़े भाई बच्चों की बात में दम तो है, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। अंजलि भाभी देखिए, हमने सोसाइटी के रिनोवेशन के लिए अभी 25 लाख रुपए खर्च किया है, तो अभी सेलिब्रेशन के लिए अपने पास बजट नहीं है। ऊपर से सुंदरलाल ने 5 लाख रुपए बढ़ा के मांगा। बढ़ा क्या मांगा? आपने दिया नहीं दिया ना, बस। तो फिर आप ये सेलिब्रेशन पे ध्यान दो। अरे सुंदर भाई। अरे भिड़े भाई, बजट है क्या नहीं है, आप अकेले क्यों डिसीजन लेते हो? पूछने वाला ये कौन है? वैसे भिड़े भाई अगर आपको ठीक लगे तो इस मामले में सोसाइटी मेंबर्स की मीटिंग बुला लेते हैं और सबका मत जान लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मीटिंग बुलाते हैं। अब्दुल समझ गया, सर्कल घूम जाएगा। अच्छा सर्कल में लिखेगा क्या, कब मीटिंग है मालूम है? बताइए ना। तो ठीक है, आज रात को ठीक 10 बजे हम लोग क्लब हाउस से मिल रहे हैं मीटिंग के लिए। ओके ठीक है, पढ़ाई करने जाओ। चलो 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 दोनों पढ़ाई करने जाओ। सुंदर भाई आप कितने दो काम हो? अरे एकदम बढ़िया चल रहा है, चिंता मत करो, बस सेलिब्रेशन पे ध्यान दो। मरे रे रोशन अभी तक क्यों नहीं आया, इसका फोन पर स्विच ऑफ आ रहा है, किधर चला गया? क्या हुआ? ये रोशन अभी तक आता होगा। चलो सुनिए सुनिए सुनिए, सब लोग आ गए हैं। ओहो क्या बात है, जेठालाल भी वक्त पर आ गए मीटिंग में भाई। तालिया 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 तालिया। आदाराम, ए जेठालाल वापस मीटिंग में टाइम पर कब आएगा वो मालूम नहीं है, इसलिए एक बार और ताली बजवा दो। एक मिनट, ओ भाई ओ ए शे, ओ यार भाई ओ भिड़े, क्या है क्या? हाँ ये मेरा मजाक उड़ाने के लिए इधर मीटिंग बुलाया है?
चल भाई जेठे अभी शांति रख। बाबूजी है क्या, टाइम पे आओ तो तपले, नहीं आओ तो तपले, क्या है क्या? कोई बात नहीं, जाने जाने। अरे भाई भिंडी मास्टर, तू जल्दी से मीटिंग शुरू करना। हाँ हाँ, शुरू करता हूँ। हाँ तो सब लोग आ गए ना? नहीं भिड़े भाई, एक मिनट, सोड़ी कहाँ है भाई? सोड़ी को आने दो। सोड़ी नहीं आ रहा। अरे भाई मीटिंग शुरू करते हैं, सोड़ी आ जाएगा। और नहीं आया तो क्या, गोगी तो है ना, सोड़ी को सब बता देगा। हाँ बराबर बराबर, वो भी है। अरे भाई भिड़े, मीटिंग शुरू करोगे तो खत्म करोगे ना, सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना है भाई, जल्दी करो। अरे बच्चों का एग्जाम्स भी है, उन्हें पढ़ाई भी करनी है। चल 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 भाई, तो हमारी बातें मत सुन, खड़ा खड़ा यार, मीटिंग चालू कर। हाँ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उपस्थित सभी गोकुलधाम वासियों, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ओ भाई भिड़े, आगे बोल, तेरा ये फिक्स डायलॉग सबको मालूम है। ठीक है ठीक है, पोपटलाल जी की विनती को मानते हुए मैं अपना फिक्स डायलॉग कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, ये नहीं बोलता। क्या बात है आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, क्या समय बचाया आपने नहीं बोल के। प्लेजर प्लेजर। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भगवान की कृपा से सुंदर लाल ने पूरे जोश के साथ हमारे सोसाइटी का काम शुरू कर दिया है। तालियां। और जल्द से जल्द वो हमारी सोसाइटी का काम पूरा कर देंगे भाई। हमारी सोसाइटी फिर से दुल्हन की तरह चमकने लगेगी। दुल्हन? तेरा मतलब है कि हम सारे गोकुलधाम वासियों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर होगा। अब हाँ, मेन सुनिए सुनिए, मुझे मुझे कुछ कहना है। भिड़े अंकल, पापा, मम्मी, अरे सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सुनो सुनो सुनो, ये गोल्डचेन किसकी है? बापूजी। गोल्डचेन? गोल्डचेन? कहाँ है गोल्डचेन? का नहीं है, सॉरी मैंने मजाक किया। मजाक क्यों? ताकि आप सब लोग मेरी बात का ध्यान दें। बोल भाई बोल, टप्पू क्या बोलना है? क्या बात बोलनी है भाई? टप्पू सेना का सजेशन है कि न्यू लुक वाली गोकुलधाम सोसाइटी के ओपनिंग के लिए एक शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, सजेशन तो बहुत बढ़िया भैया, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। सर एक छोटी सी चीज बताइए, बिना बैट या बॉल के क्रिकेट खेला जा सकता है, या बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़ा जा सकता है, या बिना ईंधन के कोई कार चल सकती है? आप कहेंगे भाई कैसी मजाक कर रहे हैं। मजाक की बात नहीं है, सच यही है कि ये सब कुछ नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी मीटिंग बिना हंगामे के नहीं हो सकती। अब यहां पे हो रही है मीटिंग, और मीटिंग में टप्पू सेना ने एक प्रस्ताव रखा है कि भाई सोसाइटी की ये जो ओपनिंग है, रिनोवेशन के बाद फिर से सोसाइटी शानदार ढंग से सबके सामने आने वाली है, उसमें एक जबरदस्त कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन यहां आप जानते हैं कि कोई भी पॉइंट हो, कोई भी मुद्दा हो, यहां पे वाद विवाद बिल्कुल ठीक वैसे ही हो जाता है जैसे टेबल टेनिस की बॉल पे कोई बॉल इधर से उधर जा रही हो। ये मीटिंग गोकुलधाम की न लग के संसद की लगने लगती है, क्योंकि भाई शानदार आयोजन होगा या नहीं ये तो अभी भविष्य की बात है, लेकिन अभी कई मुद्दे और है। सबसे पहला मुद्दा भिड़े के दिमाग में यह कि भाई खर्चा कैसे होगा, फंड कहां से आएगा। जेठालाल के दिमाग में यह कि सोसाइटी का काम पूरा होगा या नहीं होगा। अब इन दो मुद्दों के बीच में कहीं कोई नई दास्तान न शुरू हो जाए, लेकिन आपके घरों में हंसी की चलती रहेगी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। बस देखते रहिए मेरे साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।